एक्टिंग वाला काम है जी, ये किसने जहन में डाला है मन के ये करो? सो ये इसके दो जवाब हैं, ये मैं आपको बताऊंगी कि किसने जहन में डाला। हाँ। लेकिन मैं पहले आपको ये बता दूं कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये दो चीजें बहुत अलग हैं। हाँ। कि ये जो शोबिज की फील्ड है ये बहुत अलग है, और जो आप पॉलिसी मेकिंग में आप थी या आप पब्लिक सेक्टर में थी और पब्लिक को हेल्प करना या पॉलिसी मेक करना, ये बिल्कुल अलग है। हाँ। तो मैं इस चीज से डिसएग्री करती हूँ। अच्छा। बिल्कुल अलग नहीं है, ऑफकोर्स फील्ड कम्प्लीटली अलग है, प्रोसेस बिल्कुल अलग है, बट बात होती है इम्पैक्ट की। ओके। तो जो इम्पैक्ट आप मैं मैकिंजी में पॉलिसी मेक करके या गवर्नमेंट्स को कंसल्ट करके, ऑर्गेनाइजेशंस को कंसल्ट करके कर रही थी, वो काम मैं यहाँ पे भी बहुत आराम से कर सकती हूँ, बिकॉज़ अब मेरे पास प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। Okay. तो पहले अगर आप इतने स्केल पे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, यू नो दिस मोर देन एनीबडी, यू हैव अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म कि जहाँ कोई ऐसी चीज होती है जो आपको हाईलाइट करनी होती है, आप अपने शो पे उनको बुलाते हैं। सो एक प्लेटफॉर्म भी अच्छा होना चाहिए। नहीं तो अब ये मुझे सवाल, लोग इंटरेस्टेड हैं सुनने में जी कि ये आया कैसे, एक्टिंग में कैसे आ गए। सो एक्टिंग मैं अगर मैं उन शख्स का नाम लूं जिन्होंने ये प्लांट किया था मेरे अंदर आइडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट वाज सुल्ताना सिद्दीकी। शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सबको उनके बारे में। उनसे आपने शादी किसी दावत में मिली? जी, मैं उनसे मेरी फैमिली की एक वेडिंग थी उसमें मिली थी, एंड आई वाज देयर। मैं वीकेंड के लिए आई हुई थी। सबके सामने कह रही थी बेटा तुमने टीवी पे काम, वो मुझे पहले से जानती है, मेरी फैमिली को भी जानती थी, तो वो मुझे देखा हुआ उन्होंने, लेकिन बहुत छोटे से। तो अभी उन्होंने रिसेंटली जब देखा तो उन्होंने, और हम बात कर रहे थे, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम व्हाट आर यू डूइंग, ये सब। तो बातचीत में उन्होंने बोला यू नो तुम गलत काम कर रही हो, तुम यहाँ आओ, तुम वो छोड़ो और तुम यहाँ आओ। तो उस वक्त आई वाज लाइक कि नहीं, उनके उनके फर्स्ट टाइम पे आपने सोचना शुरू।